Hello everyone, this is the part 2 video of June 2024 paper of the subject BZYCT137. So let us continue without wasting time. So we are on 6th question, which says that what is the difference between extinction and mass extinction. So beta, extinction or mass extinction ke beech mein kya farak hota hai aur hume describe karni hai koi two major mass extinctions. So the two type of extinctions are background extinction and mass extinction. Agar hum baat karte hain background extinction ki, to background extinction ka matlab hai it is a natural regular event in the process of evolution. It is caused by poor adaptation to the ongoing changes in the environment and the rate of background extinction is steady over geological time. Iska matlab ek wo extinction जो नॉर्मली चलती आ रही है, मतलब इट हैपन्स नॉर्मली. एक कोई भी एक स्पीशीज़, एक रेस जो होती है वो कुछ टाइम तक अडाप्ट करती रहती है एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब कुछ सेंचुरीज के बाद या कुछ हज़ार सालों के बाद धीरे धीरे करके उसकी पॉपुलेशन कम होती रहती है और वो जो स्पीशीज़ है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. देखो एक्सटिंक्शन तब हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है जब एक्सटिंक्शन बहुत जल्दी रेट पर हो रही है, बहुत जल्दी टाइम में हो रही है, बहुत मतलब बहुत फास्ट एंड अप स्पीड पर हो रही है, या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. बट अदरवाइज हमें ये चीज समझनी है कि नेचर हैज इट्स कोर्स. एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी स्पीशीज, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है, नए तरीके के स्पीशीज डेवलप हो रहे हैं, तो कुछ स्पीशीज ऐसे भी होंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग कंडीशंस के साथ डेवलप नहीं हो पाएंगे, अडैप्ट नहीं कर पाएंगे एंड एट द एंड दे विल डिसअपीयर. ठीक है, सो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन वही है, ये एक रेगुलर इंटरवल है जिसमें एवोल्यूशन के प्रोसेस के टाइम में, मतलब विद चेंजिंग टाइम, विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, विद चेंजिंग एटमॉस्फेयर, इतनी सारी चेंजेस के बीच में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पाते एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. वेयर एज अगर हम बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन की, तो मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि एक्सटिंक्शन जो बहुत बड़े लेवल पर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही साथ एक्सटिंक्ट हो गए, इज अ रिलेटिवली सडन ग्लोबल डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम. अगर हम डिफरेंस की बात करें बैकग्राउंड और मास एक्सटिंक्शन में, तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, लॉस ऑफ हैबिटेट, कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू अदर स्पीशीज कॉज द बैकग्राउंड एक्सटिंक्शंस, वाइल मास एक्सटिंक्शन का जो मेजर जो कॉज होता है वो एकदम से रैपिड एनवायरमेंटल चेंजेस या कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल इवेंट्स, मतलब कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसा कुछ अर्थक्वेक, कोई वोल्केनो इरप्शन या ऐसा कोई मेजर इवेंट जिसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एक ही बार में इरप्ट हुई. ठीक है, वेराज जो एक जो अगर हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड या नॉर्मल एक्सटिंक्शन की, उसके अंदर अडाप्टेशन नहीं हो पा रही विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, विद द चेंजेस. अब वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस हैं क्लाइमेट में चेंजेस, वो चेंजेस हैं हैबिटेट में चेंजेस, या वो चेंजेस हैं कॉम्पिटिशन का बढ़ जाना. बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मास एक्सटिंक्शन जो है वो शॉर्ट पीरियड में होता है. बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नॉर्मली चलता ही जा रहा है विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. स्पीशिएशन होगा, नए स्पीशीज डेवलप होंगे, तो कुछ ऐसे स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी होंगे. वेराज मास एक्सटिंक्शन जो है इट is not a normal or it is not a continuous process. It occurs once in a while due to rapid environmental changes. And there are total 5 major mass extinctions jo abhi tak ho chuki hai, which we have already discussed in June 2022 paper. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो हमें ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स को एक्सप्लेन करना है, इट इज अ 5 मार्क. प्रोकैरियोट्स आर प्रेडिक्टेड टू हैव ओरिजिनेटेड 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स. आई गेस ये चीज़ आप सबको पता होगी कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डेवलप्ड है. न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड, उनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और इसमें हमारे पास सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं. तो बेसिकली ये जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो वो प्रोकैरियोट्स से हुई थी. धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोट्स से सेल और ज़्यादा डेवलप हुए तो वो बन गए यूकैरियोट्स, फिर मल्टी सेल्यूलर एंड सो ऑन. तो बेसिकली ये प्रोकैरियोट्स कैसे डेवलप हुए, कैसे स्टार्ट हुए, कैसे ओरिजिन हुए, तो प्रोकैरियोट्स का जो ओरिजिन है वो नियरली 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो ट्रेस करा जा चुका है, विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स. द एटमॉस्फेयर वॉज एनएरोबिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन in the atmosphere. These prokaryotes do not have nuclear membrane, cytoskeleton or complex organelles. They simply divide by binary fission. Earliest prokaryotes utilize energy produced by fermentation of organic molecules of the sea broth in oxygen free atmosphere. Initially जो हमारे earth का atmosphere था वो oxygen free था, मतलब कि हमारे पास free molecule और oxygen नहीं थी. तो उस time पे जो भी respiration होती थी वो anaerobic respiration होती थी, जिसको हम normally fermentation भी बोलते हैं. तो organic molecules ferment होते थे, breakdown होते थे और उससे जो energy मिलती थी वो prokaryotes derive करते थे. दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड, एज अ रिजल्ट देवर हेटरोट्रोफ. ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेटरोट्रोफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सी वाटर स्टार्ट डिप्लीटिंग एंड एग्जॉस्टेड ग्रेजुअली. अब धीरे धीरे करके जो प्रोकैरियोट्स थे उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा था. ठीक है, उनका नंबर इंक्रीज होने से वो किस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मटीरियल पे, ऑर्गेनिक मटीरियल को फर्मेंट करते हैं. अब अगर एक कैटेगरी की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली उनका जो फूड है वो फूड सोर्स डिप्लीट होने लग जाएगा. तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई कि सी वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होने लगे. नाउ
नाउ देर इज अ नीड कि दे शुड स्विच टू एनी अदर मोड. तो उस टाइम पे क्या हुआ, सर्टेन बैक्टीरिया सर्टेन प्रोकैरियोट्स इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड एज ऑटोट्रोफ्स. उनमें एवोल्यूशन हुआ और उन्होंने खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया. दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोट्रोफ्स. ऑटोट्रोफ्स वर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस. आई गेस आप में से काफ़ी सबको ये चीज़ पता होगी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस. बट शायद कई बच्चों को ना भी पता हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सबको पता होता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सिमिलरली देर आर सर्टेन बैक्टीरियाज जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसके पास अपना क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. बट अब देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस वो सल्फर को यूज़ करके या H2S को यूज़ करके वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं. तो दोज ऑर्गेनिज्म दोज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज कीमोसिंथेसिस. Due to the drop in temperature, synthesis of organic molecules in the seawater stopped. Some of the early prokaryotes evolved to chemoautotrophs, which were able to produce organic food utilizing the energy released during inorganic chemical reactions. These anaerobic chemoautotrophs resemble present day anaerobic bacteria. तो ये जो anaerobic chemoautotrophs उस time पर developed हुए थे, ये आज के anaerobic bacteria को resemble करते हैं. They release CO2 in the atmosphere. अगर हम बात करते हैं aerobic photoautotrophs की, तो photoautotroph का मतलब है जो light को present lines light के present में अपना food synthesize कर रहे हैं, और aerobic मतलब with the help of oxygen. They use water as a source of hydrogen and CO2 as a source of carbon. तो ये CO2 लेते हैं carbon dioxide के source के लिए, hydrogen लेते हैं water में से उसके reduction करने के लिए, और carbon बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. द फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रोफ्स वर साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. लाइक फॉर्म्स विच हैड क्लोरोफिल दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर एज अ बाय प्रोडक्ट. ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. जैसे नॉर्मल प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो CO2 लेता है वाटर लेता है, इन रिटर्न फोटोसिंथेसिस के साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है. तो मोर ऑर लेस द सेम थिंग इज हैपनिंग इन एरोबिक फोटो ऑटोट्रोफ्स. द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन वॉज म्यूटेशन. एज द नंबर ऑफ फोटो ऑटोट्रोफ्स इंक्रीज ऑक्सीजन वॉज रिलीज इन टू द सी एंड atmosphere. Free oxygen reacted with methane and ammonia present in the primitive atmosphere to produce CO2 and फ्री नाइट्रोजन. अब ये जो डेवलपमेंट हुई, जो एवोल्यूशन हुआ और डेवलपमेंट हुई एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ की, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा. क्योंकि अब तक जो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी वो ऑक्सीजन रिलीज होने लग गई, और ये ऑक्सीजन पहले, क्योंकि अभी ऐसा तो था नहीं कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या था, ये जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ लाइक मिथेन और अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रही थी, और रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस कर रही थी CO2 एंड नाइट्रोजन. मिथेन और ऑक्सीजन कंबाइन करें प्रोड्यूस हुआ CO2 एंड वाटर. अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करें निकला फ्री नाइट्रोजन एंड वाटर. द ओल्डेस्ट फॉसिल बिलोंगिंग टू ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज आर्कियोस्फेरियोड्स बार्बिटोनेसिस इज 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स फर्स्ट अपीयर एटलीस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो. एज ऑक्सीजन अक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर यूवी लाइट कन्वर्टेड सम ऑक्सीजन इनटू ओजोन. अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन इकट्ठी होने लग गई तो यूवी रेज ने जो था वो ऑक्सीजन को O2 में O ऐड करके उसको किस में कन्वर्ट करा, O3 में. दिस ओजोन फॉर्मड अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर ब्लॉकिंग द यूवी लाइट एंड लीविंग द विजिबल लाइट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. अब यूवी ओजोन को क्रॉस करके जब लाइट एंटर होती है एटमॉस्फेयर में तो यूवी रेज ऊपर ही रह जाती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है वो कौन सी लाइट एंटर हो रही है, विजिबल रेज एंटर हो रही है. द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेज एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स. ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ऑल्सो ब्रेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच वॉज नॉट वेरी सुटेबल फॉर द फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सेल्स. तो बेसिकली ये जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग होने लगी जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने शुरू हुए, लेकिन ये ऑक्सीडाइजेशन जो थी, ये जो ऑक्सीडेशन था, ये शुरू क्यों हुई थी, ये शुरू हुई थी एरोबिक फोटो ऑटोट्रोफ्स की वजह से जो कि ऑक्सीजन रिलीज करने लग गए थे एटमॉस्फेयर में. Alternately, the mutation, selection and evolution played role in the formation of aerobic organism and aerobic respiration. Aerobic organism had advantage over anaerobic organism as they make ATP molecule in large number from the eaten food material. तो धीरे धीरे करके, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गया था, अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में हो गया था. तो अब धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए जो ज़्यादातर एरोबिक ऑर्गेनिज्म थे, मतलब कि ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी रिलीज करते थे. और अगर आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ी हो तो आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनेरोबिक एंड एरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है. लेकिन एरोबिक का फायदा ये है कि यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ ATP जो है वो रिलीज हो रहा है. तो इसलिए ये जो चेंज था वो हमारे लिए बेटर था, वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बेटर था, क्योंकि इससे हमारी जो एवोल्यूशन था वो और अच्छे से होने लग गया. Evidences support the change over the earth atmosphere from primary to secondary in the history of life. So the first primitive anaerobic living cell can be thought to have originated in the following way.
कौन कौन से तरीके थे जिससे हम मान रहे हैं कि सबसे पहले एनएरोबिक लिविंग सेल या प्रोकैरियोट्स ओरिजिन हुए थे? फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैविंग शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स, कि छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनने शुरू हुए थे मैक्रोमोलिक्यूल से। आरएनए जो था वो एक्ट करने लग गया था हेरिडिटरी मटीरियल की तरह, और आरएनए ही राइबोजाइम, इट ऑल्सो एक्टेड एज एन एंजाइम। सिंपल मेटाबॉलिक मशीनरी लेड टू सिंपल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रोटोसेल और प्रोटोबायंट्स। उस टाइम पे जो हमारी सेल मशीनरी थी, मतलब जो हमारे सेल थे जैसे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट्स है, तो उनके अंदर वेल डेवलप जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, बट जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, जो भी वेसिकल्स प्रेजेंट थे, दे आर सफिशिएंट इनफ टू परफॉर्म सिंपल बायोकेमिकल रिएक्शंस। नेचुरल सिलेक्शन प्लेड द रोल फॉर फर्दर एवोल्यूशन ऑफ प्रोटोसेल। और बाद में नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ जो अडेप्टेशन आई, जो डेवलपमेंट आई, उसकी वजह से ये जो सेल थे वो इवॉल्व होना शुरू हो गए। सो दिस इज़ अ पिक्चर जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ था नियरली 3.8 to 4 billion years ago। ठीक है, सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड था, क्योंकि आरएनए ही हमारा राइबोसाइम मतलब एक एंजाइम की तरह एक्ट करता था, और आरएनए ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल था। लेकिन धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हुआ, देन डीएनए बिकेम द हेरिडिटरी मटीरियल, और फिर वहाँ से अलग अलग जो रेसेस थे एवोल्यूशन होकर अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डेवलप हुए। नेक्स्ट इज शॉर्ट नॉट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और होमोलोगस ऑर्गन्स। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है जून 23 और दिसंबर 22 में, वहाँ पे हमें एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक की डिफरेंस में आया था। लाइकवाइज होमोलोगस भी पहले आ चुका है, बट क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़े शॉर्ट में करा था तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेंगे। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की अगर बात करें, दैट अकर्स व्हेन टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज लिव इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन बट इवॉल्व डिफरेंटली अंटिल दे नो लॉन्गर इंटरब्रीड और कंसिडर्ड अ डिफरेंट स्पीशीज। देखो स्पेसिएशन का मतलब क्या है, स्पेसिएशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब कि दो पॉपुलेशन एक दूसरे से इतने अलग तरीके से इवॉल्व हो कि नाउ दे आर इनकेपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तभी हम बोलेंगे कि नाउ दे हैव डेवलप्ड इनटू डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो स्पेसिएशन हो रहा है, यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हो रहा, मतलब कि हम अलग अलग जोन्स में उनको नहीं रख रहे, दे आर लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, एक ही जगह पे रह रहे हैं, बट उनके अंदर स्टिल एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंटली हो रहा है, मतलब उनकी नेचुरल सिलेक्शन, उनका जेनेटिक ड्रिफ्ट, मे बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर देयर, जिसकी वजह से दे आर इवॉल्विंग इन डिफरेंट मैनर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इन अ वे इन विच न्यू स्पीशीज इज फॉर्म व्हेन अ पॉपुलेशन स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स बाय जियोग्राफिक बैरियर। यही अगर हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, जियोग्राफिक बैरियर की वजह से एक पॉपुलेशन एक एरिया में रह रही है, दूसरी पॉपुलेशन दूसरे में, वो एक दूसरे को क्रॉस करके कभी इंटरब्रीड नहीं कर सकते उन लोकेशंस को क्रॉस करके, इसीलिए वो एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व होते हैं। दीज स्पीशीज आर कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन विच आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर एंड फाउंड together in restricted areas without any trace of physical barrier for dispersal. Sympatric speciation can be seen in many different type of organism like bacteria, cichlid fish, apple maggot fly, but it can be difficult to tell when sympatric is occurring or has occurred in nature. अब वो दो species एक दूसरे से differently evolve हो गए, लेकिन इसको just by looking और just by observing काफ़ी बार हम नहीं बता सकते कि ये sympatric speciation हो गया। कभी कभी हमें बहुत बाद में पता चलता है कि now these organisms have developed into new species, different species. Sympatric speciation is a process where a single ancestral species split into two or more reproductive isolated groups without geographical barrier. यहाँ पे याद रखना है geographical barrier नहीं है, same place पे वो रह रहे हैं। They occur when natural and sexual selection create new species. अब यहाँ पे ये सॉरी अगर ये स्पेसिएशन हो रहा है तो स्पेसिएशन के होने का रीज़न क्या है, स्पेसिएशन के होने का रीज़न क्या है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि वो एक दूसरे से चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो अलग अलग तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब कि वो उनके जो ब्रीडिंग पैटर्न्स हैं वो अलग हैं जिसकी वजह से नए स्पीशीज़ बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल मैगेट फ्लाइज मे बी अंडरगोइंग सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। बिफोर एप्पल्स वर इंट्रोड्यूस द फ्लाइड लेग्स लेड एग्स एंड फ्लेड ऑन हॉथॉर्न फ्रूट। आफ्टर एप्पल्स वर इंट्रोड्यूस सम फ्लाइज बिगिन टू ले एग एंड फीड ऑन एप्पल इंस्टेड। तो कुछ जो है वो एप्पल पे फीड कर रही है और कुछ जो है वो हॉथोन पे फीड कर रही है, तो धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से डेवलप होने लग गई। द एप्पल एंड हॉथोन मैगेट फ्लाइज लुक सिमिलर बट विल नॉट मीट विद ईच अदर, दैट मीन्स नाउ दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। ठीक है, there is one more example of sympatric species. Sympatric species occur often in bacteria because they are capable of exchanging genes with the other individual that are not parent and offspring in a process known as horizontal gene transfer. अब bacteria के अंदर हम बहुत बार gene introduce कर देते हैं, अब gene introduce करने से उसका DNA तो change हो गया ना, जिसकी वजह से वो दूसरे bacteria के comparatively different हो गया, तो that is also speciation. Sympatric speciation has been observed in bacillus and cyanococcus species of bacteria and bacterioplankton. Bacterioplankton Vibrio splendens. सब
subgroups of species that are undergoing sympatric speciation will show few difference since they have been diverging for a relatively recent time. अब इनके अंदर देखने में हमें differences बहुत कम लगेंगे क्योंकि ये अभी डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से different तरीके से develop हो रहे हैं, evolve हो रहे हैं, but अभी थोड़े ही time से, recent time से. It is proposed that one important factor in case of sympatric speciation is adaptation to environmental condition. तो ये speciation क्यों हो रही है? क्योंकि ये differently adapt कर रहे हैं changing environment के साथ, जिसको हम बहुत commonly natural selection बोल सकते हैं. If some members are specialized for living in certain environment, the subgroup may go on to occupy a different environmental niche and eventually evolve into a different species over time. मान लो there are 100 organisms. ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि ये 100 के 100 अगर एक साथ रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं तो एक तरीके से ही रहेंगे या एक ही चीज़ खाएंगे 100 ऑर्गेनिज्म. नहीं, एक साथ रह के भी, एक हैबिटेट में रह के भी, दे कैन परफॉर्म डिफरेंट थिंग, दे कैन लिव डिफरेंटली, दे कैन डेवलप हैबिट्स विच आर डिफरेंट टू ईच अदर. और यही होता है नेचुरल सिलेक्शन, वो अलग अलग तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर फ्यू डिकेड्स, वी विल नोटिस दैट नाउ दीज ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट इज डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव सिलेक्शन का मतलब होता है, देखो, अडेप्टेशन करना, और अडेप्टेशन करते करते भी डायरेक्शनल अडेप्टेशन है, मतलब हमारे जो चेंजेस हैं वो धीरे 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 उस तरफ होते जा रहे हैं जहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. ठीक है, तो वो हो गई डायरेक्शनल सिलेक्शन. जैसे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन हमें देखने के लिए मिलती है पेपर्ड मॉथ में, जिसका हमने एक और देयर वाज अनदर पेपर जिसमें हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की वजह से हमने देखा कि इसका जो कलर है वो चेंज होने लग गया. ठीक है, तो पहले ये लाइट कलर की थी, लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन की वजह से क्या था, जो बैकग्राउंड था, जो हिल्स थी, वो सारी ब्लैक होने लग गई, जो वॉल्स थी वो ब्लैक होने लग गई, तो ये वाइट कलर जो है वो हमें बहुत ईजिली नज़र आने लग जाता था और ये ईजिली टारगेट हो जाता था. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने कॉमोफ्लेज करना शुरू करा. जब पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है तो इनका कलर भी धीरे धीरे क्या होता गया, डार्क, और वो डार्क कलर इनको फेवर कर रहा था. ठीक है, तो फिर हमने धीरे धीरे देखा जो व्हाइट वाला नंबर है, अगर सपोज करो ये व्हाइट कलर मौत है और ये ब्लैक कलर मौत है, धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि ब्लैक कलर मौत बढ़ती जा रही है और व्हाइट वाला का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है. सो दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. सिमिलरली लॉन्ग नेक जिराफ, पहले जो जिराफ थे उनकी पॉपुलेशन क्या थी, जो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इंडिविजुअल और फिनोटाइप या ट्रेट, शॉर्ट वाले ज़्यादा थे. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इनका एवोल्यूशन हुआ, इनकी लॉन्ग नेक डेवलप हुई विच गेव देम अ सर्वाइवल एडवांटेज. तो ये वाला जो नंबर था ये अब कम हो गया. अगर आप ये रेड लाइन देखो, जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ्स है वो धीरे धीरे कम होने लगे और लॉन्ग नेक वालों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहने लगी. तो दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन शिफ्ट. सो अगर आप इसकी थ्योरी देखो, इट इज़ अ मोड ऑफ सिलेक्शन एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल चेंज. इन एन अनचेंजिंग एनवायरमेंट, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन रिमूव्स अनयूजुअल फॉर्म्स ऑफ ट्रेट्स और एक्सट्रीम मेजरमेंट्स ओवर जनरेशन. अगर एनवायरमेंट चेंज नहीं होता तो एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म सबसे स्टेबल तरीके से रह रहे हैं वो आगे बहुत सक्सेसफुली बढ़ते रहेंगे. और एक्सट्रीम जो है, जो दो कॉर्नर्स पे हैं, एक्सट्रीम मतलब कि जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, जो ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पा रहे उस एटमोसफेयर में, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे. बट इन ऑल्टर एनवायरमेंट, लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, द प्रीवियस मीन में नो लॉन्गर बी ऑप्टिमल मेजरमेंट ऑफ द ट्रेट. लेकिन जैसे 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 हमने जिराफ के केस में पढ़ा हुआ, जिराफ के केस में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी जो नेक है वो लॉन्ग क्यों हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि नीचे की जो वेजिटेशन थी वो सारी खत्म हो गई, अब बचे थे लॉन्ग ट्रीज. तो इनको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ा, इनको सर्वाइव करने के लिए धीरे 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 इनकी जो नेक है वो लॉन्ग होने लगी ताकि ये इस पर फीड कर सके. और ये जो स्मॉल वाले हैं ये धीरे धीरे खत्म हो गए क्योंकि ये उन लॉन्ग ट्रीज पर फीड नहीं कर पा रहे थे और शॉर्ट ट्रीज सारे खत्म हो चुके थे. तो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ इनकी जो स्टेबलाइजेशन है वो चेंज होती जा रही है, और जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस सिलेक्शन वुड वीड आउट द इंडिविजुअल फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द नॉर्मल कर्व अनइक्वली. तो इसमें क्या होगा, जो एंड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होंगे और बीच में जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा होंगे. दस इन टर्न शिफ्ट द मीन ऑफ द ट्रेड टू अ न्यू फेवर्ड एक्सट्रीम. मीन मतलब मिडिल, तो जो मीन वाला ट्रेट है वो फेवर्ड की तरफ जाएगा. यू मे से दैट डायरेक्शनल सिलेक्शन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इन दैट इट डज नॉट वर्क इवनली एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. रिवीलिंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन इन ऑपरेशन इज द एबिलिटी ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड. एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जो पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट. मैन हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म. इन ऑर्डर टू अडैप्ट देमसेल्फ टू चेंज टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड रैपिडली. जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म भी उसके हिसाब से चेंज होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन. एक कॉमन सी चीज़ सोच लो, अगर सपोज करो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इसमें ये ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, या मान लो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इन ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ, इनमें से जो ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट कर पाएंगे वही यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, और जो अडैप्ट नहीं कर पाएंगे वो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो यहाँ पर हमने देखा
कि पेस्टिसाइड जब स्प्रे करते हैं तो पेस्ट या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। एवर सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ हाउस फ्लाइज टू डीडीटी वाज मेड इन 1947 में ये चीज़ फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई कि हाउस फ्लाइज जो है वो डीडीटी के रेजिस्टेंट है। मोर एंड मोर रिपोर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स बिकमिंग रेजिस्टेंट टू वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स हैव कमिंग इन ओवर द पास्ट फोर डेकेड्स। इन ऑल द केसेस द स्टोरी इज सेम। इनिशियली अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यू पेस्टिसाइड इज सफिशिएंट टू कंट्रोल द पेस्ट। पहले क्या होता था, सिर्फ थोड़ी सी दवाई स्प्रे करो पेस्ट मर जाते थे, लेकिन अब वो इनके अगेंस्ट जो पेस्ट थे उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, वो इजीली नहीं मरते थे। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ी। अब हम ज़्यादा मेडिसिन स्प्रे करते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन स्प्रे करते हैं तो हम पेस्ट को किल कर पाते हैं। स्लोली द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज इवन एज द इंसेक्ट डेवलप रेजिस्टेंस टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। फाइनली द पेस्टिसाइड बिकम टोटली इनइफेक्टिव और द यूज ऑफ इट इज इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल। तो जैसे जैसे हमने पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी शुरू करी तो हमने क्या देखा कि इंसेक्ट्स भी उससे और ज़्यादा रेजिस्ट करने लग गए, मतलब वो उतनी कॉन्सेंट्रेशन से भी नहीं बढ़ रहे। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को भी एक लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी या तो शायद वो हमारे लिए भी इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी कि उसको स्प्रे करना मतलब खुद को हार्म करने वाली बात है, ठीक है। इन एवरी जनरेशन द डायरेक्शनल, तो दिस इज अ डायरेक्शनल सिलेक्शन कि चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ जो ऑर्गेनिज्म से जो पेस्ट या इंसेक्ट्स थे उन्होंने अपने आप को चेंज करा। अब जिन्होंने चेंज करा, ठीक है, वो तो अब सपोज करो इतने पेस्ट हैं जिन्होंने रेजिस्टेंस पहले डेवलप नहीं करा था, तो पहले ये वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन ये थोड़े से पेस्ट थे जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करा वो कम हो जाएंगे और जिन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया मेडिसिन स्प्रे होने के बाद भी उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होने लग गई। तो दिस इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। इन एवरी जनरेशन द डायरेक्शनल सिलेक्शन एलिमिनेट दोज इंसेक्ट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन विच आर मोर और लेस एंड लेस रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड्स। तो मतलब वो इंसेक्ट्स जो थे वो एलिमिनेट होते गए जो इंसेक्टिसाइड के या पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंट नहीं थे या बहुत कम रेजिस्टेंट थे। स्टेटेड डिफरेंटली, इन एवरी जनरेशन मोर एंड मोर इंसेक्ट्स दैट एग्जिबिट अ हायर रेजिस्टेंस। तो जो इंसेक्ट्स हायर रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, जो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गए थे, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था, उनके स्पीशीज जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बाय इंसेक्ट रिफ्लेक्ट द एफिकेसी ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन सिंस द पेस्टिसाइड्स आर नॉर्मली सिंथेटिक सब्सटेंसेस एंड द इंसेक्ट्स आर नेवर एक्सपोज्ड टू देम प्रीवियसली इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये एक क्लासिकल एग्जांपल हम डायरेक्शनल सिलेक्शन का मान सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये एक आर्टिफिशियल सिनेरियो, एक आर्टिफिशियल सेटअप है। क्यों? क्योंकि नेचुरल एटमॉस्फेयर में तो ऐसे ही नेचुरली इस तरीके के पेस्टिसाइड नहीं एग्जिस्ट करते या ना हमारे एयर में इतने कोई हैं, बट अगर हम स्प्रे करेंगे तो ये एक पार्ट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे तीन एग्जांपल्स, आप एक पेस्टिसाइड वाला मान सकते हो, एक पेपर्ड मॉथ वाला मान सकते हो और उसके अलावा एक जिराफ वाला मान सकते हो। नेक्स्ट इज होमोलॉजी या होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलॉजी इज द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन वेरियस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अराइजिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। होमोलोगस ऑर्गन्स पहले समझो, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे के सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चरली, बट उनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कि उनका सिमिलर है स्ट्रक्चर बट डिफरेंट है फंक्शन। तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, बट क्योंकि इनका सेम स्ट्रक्चर है तो दैट मीन्स दे डेवलप्ड या दे केम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेम स्ट्रक्चर वाले ऑर्गन्स हैं, मतलब उनके पास होमोलोगस ऑर्गन्स हैं और कहीं ना कहीं वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही ओरिजिनेट हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली होमोलॉजी यही स्टडी है सिमिलर ऑर्गन्स के बारे में, सिमिलर दिखने वाले ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स के बारे में। होमोलॉजी इज द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन वेरियस रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अराइजिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री एंड इज यूजुअली रिफ्लेक्टेड इन कॉमन एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को जो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, कॉमन दिखते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स। लेकिन अब वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जा रहे हैं या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम में वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं या डिफरेंशिएट हो रहे हैं एंड अनेबल टू ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शन। सुपरफिशियली दे लुक डिफरेंट, बाहर से ये डिफरेंट लगेंगे, बट अगर हम इनका फिजिकल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखेंगे तो वो सेम होगी। द स्टडी ऑफ होमोलॉगीज इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। दीज होमोलॉगीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। फोल्डम ऑफ वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन्स। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फोलेम ऑफ वर्टिब्रेट, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट है उनके फोलेम्स का मेनली जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। द फोलेम ऑफ सेवरल वर्टिब्रेट सच एज दोज ऑफ एम्फीबियन, लिजर्ड, बर्ड, बैट एंड मैन आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेसिक प्लान एंड इंक्लूड सिमिलर बोन्स इन द सेम पोजिशन, बट मॉर्फोलॉजिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इनके अंदर मॉडिफिकेशन आई ताकि वो अपने अपने एनवायरमेंट में अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। होमोलॉजी रिप्रेजेंट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन फ्रॉम अ कॉमन
ancestor enabling organism to adapt successfully to different ecological niches. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से. अपने चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, अब बर्ड्स डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करेंगे, लिजर्ड डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करेंगे, एम्फीबियन डिफरेंट तरीके से इवॉल्व करेंगे, इसी के हिसाब से इनके जो फोर लिम्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. बट दे आर हैविंग अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसलिए इन ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स. A classical example of adaptive radiation is the structure of four limbs of mammal. There is always a single long bone that is humerus in the upper arm, और four limb में दो parallel bones होती हैं जिनको हम बोलते हैं radius and ulna. Wrist के अंदर छोटी छोटी bones होती हैं जिसमें होती हैं 8 carpal bones जो कि दो rows में arranged होती हैं, 2 rows of 4. फिर उसके बाद 5 parallel metacarpals होती हैं of the palm of the hand and 3 rows of phalanges. तो basically हमारे पास wrist में कौन सी bones हैं? Carpals. फिर उसके बाद हमारे पास हैं मेटाकार्पल्स, और फिर हमारे पास जो डिजिट्स में छोटी छोटी बोन्स होती हैं दूज आर फैलेंजेस. ईच फ्रॉम स्केलेटन ऑफ डिजिट एक्सेप्टिंग द फर्स्ट डिजिट विच हैज़ ओनली 2 phalanges, थंब को छोड़ के. द स्केली एंट ईटर, एक सेकेंड लेट मी रेज दिस, यस, द स्केली एंट ईटर ऑफ द ऑर्डर इंसेक्टिवोरा शोज द प्रिमिटिव पेंटाडेक्टाइली आर्म स्ट्रक्चर. तो अगर एक हम इंसेक्टिवोरा ऑर्डर से बिलोंग करने में वाले एक ऑर्गेनिज्म, एक एंट ईटर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसके भी जो फोलियम का स्ट्रक्चर है वो सेम है. द मोल्स विच आर देयर रिलेटिव्स आर हाईली मॉडिफाइड फॉर डिगिंग इन ऑर्डर टू अडेप्ट अ सबटेरियन हैबिटेट. ऑल द बोन्स ऑफ द लिम्स आर शॉर्ट एंड ब्रॉड गिविंग द लिम्ब अ शॉवल लाइक अपीयरेंस. इन बैट्स ऑफ ऑर्डर काइरोप्टेरा द ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना एज वेल एज 4 of the digits आर ग्रेटली इलोंगेटेड सो एज टू सपोर्ट द विंग मेम्ब्रेन. द फोलियम इज दस मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट. तो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताए हुए कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो बोन्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने फोलियम्स को यूज कर सके, बट उनका जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है, बट जो बेसिक नंबर ऑफ बोन्स या टाइप ऑफ बोन्स है वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ डायग्राम, इसको हम क्लासिकल अडैप्टिव रेडिएशन का या फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल भी मान सकते हैं बिकॉज दे आर इवॉल्विंग डिफरेंटली. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. कीप स्टडी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन और ड्रॉप इट इन द ईमेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.